क्या पढ़ रहे थे, पीजोमेट्रिक हेड प्लस काइनेटिक हेड, क्या पढ़ रहे थे, पीजोमेट्रिक हेड प्लस काइनेटिक हेड। भैया क्या पढ़ रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी हेड या टोटल या फिर टोटल एनर्जी लाइन। तो वही बात हुई कि टोटल सर बोल दो या हेड बोल दो या खोपड़ी बोल दो या भेजा बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। टोटल एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी लाइन। ओके, अगर आगे बढ़ते तो हमें क्या मिला कि भाई मेरे, कि हमने अगर एक बनाया सडन एक्सपांसन, हमने क्या बनाया कि मेरे पास कुछ इस शेप का कार्ड बना दी मैंने, फिर मैंने क्या बना दिया आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन बना दिया मैंने। अब सुनो, क्यों गिर रहे हो दोस्तों, क्या गिर रहा है, अच्छा आप सुनो, इस पे देखो इतनी काट है ना इसकी, हाँ इसको बोलते हैं काट। काट क्या मतलब क्या होता है, अगर हम डायग्राम खींचेंगे मेरे इंजीनियरों, अगर आप डायग्राम खींचोगे इस शेप में जाएगा, अगर इस शेप में जाएगा तो कुछ उसका आपका काट बनेगा, जिसको हम एक क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, एक्स वाई जेड किसी भी डिपेंड करता हो। अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या मिलता है, फ्लो, हमें क्या मिला, फ्लो, बहने दे बह रही है धारा, बह रही है धारा, मत जाना है मेरे भाइयों, पानी का फ्लो है, किसका फ्लो है, पानी का, जो आप रोज पीते थे बचपन में, जिसको मम्मा कहते थे वो है। ये क्या है, सडन एक्सपांसन, क्या है, सडन एक्सपांशन मेरे भाइयों, ये क्या है, सडन एक्सपांशन मतलब जा रहा था और अचानक आप जा रहे थे और खड़ से लड़ गए कहीं, तो एक्सपांशन। दूसरी चीज ये क्या है, सडन कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप कहीं जा रहे थे और गड्ढे में गिर गए, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन चिपक गए कहीं। चीज़ें क्लियर, अगर क्लियर हैं, अब अगर इसमें ये फ्लो की जब बात करेगा तो हम इस पर कुछ आपका, जैसे कि ये कह रहा है धारा यहाँ से आएगी, सबसे पहले यहाँ से आकर के इस लाइन पे मिलेगी, फिर थोड़ा नीचे जाएगी, उसके बाद जाकर के, अब इसको इन्होंने बोल दिया है TEL टोटल एनर्जी लाइन, H ग्रेजुअल लाइन ये है आपकी, जो कि दूसरी लाइन है इस शेप में, नीचे आएगी फिर थोड़ा ऊपर जाएगी फिर यहाँ पर मैच कर जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, इस चीज़ की जो मैं बात करूँगा, इसमें भी सेम कंडीशन आएगी आपकी, पहले ऊपर से आकर के थोड़ा नीचे जाएगी हेड, फिर सामने जाएगी, ये क्या है TEL टोटल एनर्जी लाइन, ये क्या करेगी ऊपर से आकर के फिर नीचे जाएगी और नीचे आके फिर मिलेगी, तो क्या सीन हुआ, ये नीचे जा रही है, ये आपकी नीचे जा रही है, ये क्या है नीचे जा रही है, ये आपकी ऊपर आ रही है, इसमें सडन एक्सपेंशन भाई एक्सपेंशन है, और कॉन्ट्रैक्शन में आप नीचे गड्ढे में गिर रहे हैं तो दोनों गड्ढे में गिरेंगी, HGL हाइड्रो ग्रेजुअल लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन है, कभी समस्या हो तो बता देना। अगर मैं बात कर रहा हूँ TE विल बी ऑलवेज बी इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, अब मैं अगर बात करूँ इसमें TEL मतलब सुनो अजम्पशंस क्या है, टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज डिक्रीजिंग फॉर्म, हमेशा डिक्रीज करेगा, देखो ऊपर से आके गिर रही है, ऊपर से गिर रही है, कभी कोई समस्या हो तो बता देना। दूसरी चीज HGL विल बी एसोसिएटेड विद फ्लो, कह रहा है कि जो HGL है ये फ्लो पे डिपेंड करता है, अगर फ्लो आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन है तो ऊपर जाएगी, सडन एक्सपेंशन है तो ऊपर जाएगी, सडन कॉन्ट्रैक्शन है तो नीचे आएगी, HGL ये लाइन है जो डिपेंड करता है। अगर हम इसको पढ़ते जाएंगे
टी ई एल, फिर तीसरा जम्पशन क्या है, कह रहा है टी ई एल ऑलवेज एच जी एल अपर, हमेशा इसके ऊपर रहेगी टी ई एल, लेकिन टी एल हमेशा ऊपर रहेगी एच जी एल के और डिक्रीजिंग फॉर्म में रहेगी। एच जी एल क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो, जैसा फ्लो वैसा एच जी एल, क्या कहता है जैसा तू वैसा मैं, एच जी एल क्या कहता है जैसा तू वैसा मैं, प्यार प्रेम से बात करोगे तो प्रेम बटेगा, गोली चलाओगे तो बौछार होगी, ये कह रहा। दूसरी चीज़ भैया बहुत गर्मी है, दूसरी चीज़ इतनी गर्मी में भी दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़ पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप, क्या लिख लेते हैं, बड़ा लिखो मेरे भाई, पावर ट्रांसमिशन द थ्रू पाइप, मतलब पाइप के थ्रू जब हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, पाइप के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन, ट्रांसफर कैसे करेंगे, देख लो कोई आपके पास ये पाइप है, टेढ़ी हो जाए तो मत कहना कुछ, क्योंकि पाइप है टेढ़ी भी हो सकती है। अब कह रहा है कि कोई इसका ये तल है, कोई इसका ये तल है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ये रिजर्वायर, इसको हम बोल दो, चलो इसको रिजर्वायर बोल दो, रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब है पानी रिजर्व है इसमें और फ्लो होता हुआ जा रहा है, ये क्यू क्या है, डिस्चार्ज है, एच कुछ ऊंचाई है, एल डी वी है, इसकी डाया और वेलोसिटी की बात करेगा, पी हमें पता ही था कितना होता है, रो जी एच एल, फिर ए वी, एच एल क्या है, हेड लॉस है, ए वी एरिया है, रो जी पी हमें फार्मूला बहुत दिन से पता है, तो पी इजकल टू, अगर मैं डब्लू लिखूं, क्यू लिखूं एंड एच एल लिखूं, कोई समस्या, कोई नहीं समस्या होगी, अगर मैं पी मैक्सिमम की बात करूं यहां से तो एच एल थ्री एच एल किसके बराबर होगा, अगर मैं रो जी एल की बात करूं, क्योंकि हमें प्रेशर इज इक्वल टू हमेशा पता है रो जी एच होता है, अब हमने एच एल यहाँ क्यों रखा, ये तो रो जी एल मेरा एक्चुअल है, ये क्या है थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है, मैंने मान रखा, एजम्पशन कर रखा, मान लो कि शेर आ रहा है और मैं इसे खड़ा हूँ, ये मैंने माना है, लेकिन एक्चुअल का जब शेर आता है तो मैं खड़ा नहीं रहता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, ये एक्चुअल है, तो ये क्या है थ्योरेटिकल है, जब शेर आया तो एच एल हुआ, तब एल जुड़ा, क्यों, लॉस कुछ होगा भाई, जब शेर आएगा तुम भागोगे ना तो कुछ तुम्हारी एनर्जी लॉस होगी, बाकी आप जो सोच रहे हो भी, बाकी एनर्जी लॉस होगी और एंड एरिया कुछ कवर करेगा, तो वहाँ से डब्लू वर्क हो जाएगा, क्यू डिस्चार्ज, एच एल हेड लॉस। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ और यहाँ पे मेरा क्या लगा हुआ है, टर्बाइन, क्या लगा है टर्बाइन, तो ये कुछ रोटेशन करेगा, जब रोटेशन करेगा तो उसमें हेड लॉस आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, जब सारी चीज़ें आएंगी तो ये तीन एच एल के बराबर होगा, थ्री लॉस के बराबर होगा। ये क्लास रही है, अगली क्लास दूसरे दिन देखते हैं, बने रहो, समझते रहो, पढ़ते रहो, ओके, बाय बाय।